हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हमारे पास क्या है ट्रिक ऑफ द डे में हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करने इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 5 में। तो जहां पर आपके लिए चार क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको बोर्ड पर, तो आप अपना टाइम लीजिए, प्लीज इसे पॉज करिए और स्टार्ट करिए आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ, वापस आ जाए, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ट्राइनोमियल है, इट इज़ नॉट ए बाइनोमियल, इट इज़ अ ट्राइनोमियल। जब हमारे पास बाइनोमियल होता था कि x प्लस वाई की पावर आपके पास n होती थी, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होती थी हमारे पास वो कितनी थी आपको पता होगा, दैट इज n प्लस 1 होती थी, जितनी भी पावर है उससे एक ज़्यादा इन केस ऑफ बाइनोमियल। लेकिन जहाँ पर हमने थ्री टर्म्स ली हुई है तो ट्राइनोमियल में हमारे पास कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं, तो एक प्यारी सी स्माइल हो जाए, स्माइल के साथ करते हैं, करना कैसे, कितना टाइम लगेगा, कम से कम सेकंड कितने लगेंगे वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इनका आंसर फिर आपको होमवर्क होगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा, हमारे पास 36 × 7/3, दैट इज इसका आंसर आपके पास 21 आ जाएगा, दैट इज आप इसको एक्सपेंड करना आपके पास 21 नंबर ऑफ टर्म जहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास कितना आएगा, जहाँ पर 7 × 8 दैट इज ओवर 4, दैट इज 28 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 × 9 दैट इज 4, 36 आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास आएगा 10 × 11 दैट इज 5, दैट इज 55। तो कितना टाइम लगा आपने देखना, तो हमें जो क्वेश्चन है आपके लिए ट्रिक है, आपको बिना कॉपी पेन उठाए आप इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन अब बारी है कि आपको ये ट्रिक सिखाई जाए, तो ट्रिक सीखते हैं हमारे पास, ट्रिक है क्या, थोड़ा सा ध्यान से, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ठीक है। जब भी आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, जहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस जी हमें नहीं पता, आप a ले सकते हो, b हो, c, कुछ भी हो आपके पास, हम इनर साइड को नहीं देते, हमें सिर्फ पावर को देखना है। जब भी आपके पास इसकी पावर n होगी तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो होगी n प्लस 1, n प्लस 2 ओवर 2। तो आपके पास ऑलवेज नंबर ऑफ टर्म इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। अब इस फॉर्मूले पर हम अप्लाई करके देते, हमने किया था, दैट इज जो भी आपके पास पावर एक प्लस और प्लस टू करने, तो इसके में हमने प्लस वन करा तो वो 6 हो जाएगा, प्लस टू किया 7/2, तो हम यदि कटिंग करेंगे 3 तो ये आपका 21 ही आया था। यहाँ पर हमने क्या किया था, दैट इज इसकी नेक्स्ट टर्म, दैट इज उसकी नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी, 7 × 8 होगा, ओवर 2 किया था, तो हमारे पास कट करने के बाद 7 × 4 28 आंसर आया था। और जहाँ पर भी हम समझ चुके होंगे हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो ऐसा चल रहा होगा, दैट इज जो हमारे पास n है तो n प्लस 1, n प्लस 2, इसका मीनिंग जो आपके पास टर्म है उससे नेक्स्ट, उससे आपने नेक्स्ट कर देनी है। तो 8 × 9/4 दैट इज हमारे पास 36 आ चुका। तो दिस इज अ सिंपल एंड वेरी, मतलब इतनी अच्छी ट्रिक लगी थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा, अदरवाइज हम जहाँ पर क्या सोचते हैं हमें आइडिया नहीं। आपने भी देखा होगा कि जब आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप खुद कीजिए, आपका माइंड घूम गया होगा एक मिनट के लिए कि कैसे इसे करना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट बाइनोमियल, इट इज़ अ ट्राइनोमियल एक्सपेंशन है। तो इसको सॉल्व करने पर इसकी जो ट्रिक है इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बिकॉज हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते तो हमें इसको सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ नहीं जाना, हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए होती है। तो आप इसको नोट करें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें वीडियो को अभी। तो ठीक है, आज का आपके लिए होमवर्क है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और होमवर्क के लिए से बताने से पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ नीचे जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेट इज़ अर्शदीप है, बिंदु है, एंड गुरसिमर है, सिमरनप्रीत है, एंड साथ में गुरप्रीत, जिन्होंने लास्ट वीडियो के ऊपर अपने कमेंट किए थे। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन एवरीवन, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। एवरी डे आपके पास 8 PM आपके पास ये वीडियो पहुँच जाती है, और 8:30 तक ये चारों बच्चे जो हमारे पास स्टूडेंट हैं जिनके अभी मैंने नाम दिए, इनके आंसर वहाँ पर अपलोड होते हैं। सो थैंक यू। सो आज का होमवर्क यहाँ पर हम लिखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे फ्रेंड, जो आज का होमवर्क सिर्फ 3 क्वेश्चन है, अब तो आप इसके फट्टे चक देंगे, मतलब आप देखेंगे और आपको डायरेक्ट पता है कि आपने क्या करना, मैं बोलूँगा नहीं अदरवाइज मेरे से आंसर निकल जाएगा मुँह से। तो इतनी खुशी आपको पहले कभी हुई थी कि क्या इस तरह से सबको आप ऐसे कर सकते हैं बिना कॉपी और पेन के? यदि नहीं हुई तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस, अपनी जो हैप्पीनेस वो नीचे जरूर शेयर करें कमेंट करने के बाद, बिकॉज उसी से मुझको मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट आपके लिए कुछ सेशन लेकर आने के लिए। सो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो, आपके लिए, आपने इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प की, जो बच्चे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट ट्रिक के साथ, बाय बाय।